अरे यहाँ कैमरा पकड़ गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद का एक छोटा सा तहसील है केराकत। केराकत तहसील के अंतर्गत ही एक छोटा सा गांव आता है नावपुर थाना गद्दी। थाना गद्दी ग्राम के पास में ही देवनाथपुर नाम का एक बगल में छोटा सा बहुत छोटा सा गांव है। वहां पे प्रसिद्ध प्राचीन श्री ब्रह्म बाबा का मंदिर है। ब्रह्म बाबा का नाम है श्री संबल ब्रह्म बाबा का मंदिर, जो कि इस क्षेत्र के कुल देवता माने जाते हैं और हर सोमवार को यहाँ पे पूजा होती है, विशेष पूजा होती है। सोमवार का दिन ब्रह्म बाबा का दिन माना जाता है और आज का दिन सोमवार है। आज है 27 अप्रैल 2015 की और यहाँ पे भक्तों की संख्या काफ़ी आई हुई है, काफ़ी लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं संबल ब्रह्म बाबा के हैं। और आइए हम कुछ भक्तों से बात करते हैं, कब से वो आ रहे हैं, इस स्थान का क्या महत्व है, इस स्थान के पुजारी जो हैं संबल ब्रह्म बाबा के जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ पे आए हुए भक्तों से भी बात करते हैं। सोमवार का दिन संबल ब्रह्म बाबा का दिन, उनकी पूजा का दिन। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के अंतर्गत केराकत तहसील के पास संबल ब्रह्म बाबा का मंदिर। आइए, हमारे साथ में कुछ भक्त हैं और पंडित जी भी हैं, तो जानते हैं इस स्थान का महात्म्य क्या है, कितने वर्ष पुराना है यह स्थान। साथ में एक हमारे साथ में माता जी हैं, पहले हम आपसे परिचय जानेंगे कि यहाँ स्थान का ज़्यादा महत्व बताएंगे जी। ये संभल जय श्री संभल ब्रह्म बाबा का स्थान है जी, जो देवनाथपुर में स्थित है केराकत तहसील पड़ता है ये। और संभल ब्रह्म बाबा लगभग 550 वर्ष पूर्व जो है यहाँ स्थापित हुए हैं। बहुत दूर दूर से भक्त आते रहते हैं और उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। इस क्षेत्र में इनका क्या महत्व है? इस क्षेत्र में यहाँ लोग आते हैं और जैसे रामायण का पाठ करवाते हैं और यहाँ परिक्रमा करते हैं। 16 सोमवार जो है यहाँ जो है आते हैं, बाराम करते हैं। और बहुत सारी क्या इनकी बाबा की कहानी तो कुछ और विशेष है जो कि हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। बस ये है कि कोई छत्री था, उनके द्वारा बाबा की हत्या हुई, इसके बाद जो है वो ब्रह्मस्वरूप हो गए और पूजे जाते हैं। हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है, आज के 450 वर्ष पहले भी लगता था, आज भी लगता है। और हमें यहाँ पे वार्षिक श्रृंगार कब होता है? वार्षिक श्रृंगार 2 बार होता है यहाँ, चैत्र के नवरात्र के वो होली के बाद जो बुढ़वा मंगल पड़ता है उसमें होता है और श्रावण मास में होता है। आपका शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम शुभ नाम है पंडित इंद्रभूषण मिश्रा, लोग मुझे संजय बाबा कहते हैं। और यहाँ पे मतलब यहाँ के पुजारी कौन, आप ही लोग? जी हम हैं जो है अशोक मिश्रा जी हैं, शिव शंकर मिश्रा जी हैं, 3-4 लोग जो है देखा करते हैं यहाँ के कारोबार जी। ठीक है पंडित, धन्यवाद। यहाँ पे भक्तों में एक माता जी आई हुई हैं, जानते हैं उनका अनुभव क्या रहा इस मंदिर का जी। जी माता जी बताएं, अपना परिचय बताएं। करीब 1982 से बाबा के यहाँ आ रही हूँ और बाबा का महत्व और महिमा जो है वो तो हमारे वर्णन करने की चीज ही नहीं है। ये लोग जानते हैं और बहुत दूर दूर से कई क्षेत्रों से लोग आते हैं यहाँ। प्रथम बार आप कैसे हैं, किसके द्वारा यहाँ पे आए, आपको कैसे पता चला इस मंदिर का? सासू के द्वारा, अपने ससुर जी के द्वारा यहाँ आए हूँ। मतलब इस क्षेत्र की आप बहू हैं? हाँ, इस क्षेत्र में। तो वो पूजा कराने के लिए आपको यहाँ पे लिवा करके आए, लेके आए। आने के बाद आपका क्या अनुभव रहा यहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव मिला मुझे, बहुत बाबा से मुझे सहयोग मिला और जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है, कोई कष्ट नहीं होता, कोई भी रुकावट होती है तो दूर हो जाती है। आने वाले भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही मैं कहना चाहूंगी कि जो भी भक्त अगर बाबा से ये अपना मनोकामना लेके आएंगे वो बाबा पूर्ण करेंगे जरूर। इन मनोकामना के रूप में यहाँ पे क्या क्या मांगते हैं लोग? अपना जो दुख सुख है, अपना कष्ट है, यही सब। जैसे कोई नारियल बांधता है, कोई कहता है हम चुनरी चढ़ाएंगे या पूजा करवाएंगे, खरमार का पाठ करवाएंगे, कथा कराएंगे, और कोई अनुभव है आपका, कोई अच्छा अनुभव कहना चाहिए? बाबा के बारे में तो अनुभव तो बहुत कुछ है लेकिन अब मैं इतना नहीं बता सकती हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा उपाध्याय है, मैं गढ़खरांगा गाँव से हूँ। ठीक है माता जी, धन्यवाद। पंडित जी आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, जो है हमारे बहुत सारे भक्त हैं और काफी प्रसन्न है जो है आप लोगों को देख करके, और बाबा की ऐसी कृपा है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बाबा कृपा बरसाते रहते हैं। तो हम लोग को भी जैसा बाबा का दर्शन कराइए जी। बिल्कुल आइए। ये है विशाल बरगद का वृक्ष जो कि बाबा का ही अवतार माना जाता है, बाबा का स्वरूप एक प्रकार से विशाल बरगद के वृक्ष में। काफी लंबाई चौड़ाई है इस मंदिर की और इस पेड़ की भी चौड़ाई चौहद्दी काफी लंबी मानी जाती है, जो कि इनका ही क्षेत्र है, इनकी जमीन है। अब हम चलते हैं अंदर में बाबा।
बाबा का दर्शन करने के लिए। जी जी थोड़ा सा इधर आ जाओ। जी जी थोड़ा सा एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक मिनट के लिए, फिर इसके बाद आप रुक जाइए। ये जी देखिए, ये अंदर अंदर जाते हैं बाबा के। अच्छा, इस पेड़ के अंदर अंदर में ही जड़ में ही इनका स्थान है। जी जी, जड़ में अंदर इनका स्थान है। थोड़ा सा पीछे से पकड़ लीजिए, फिर आप पूजा करिए। पकड़ लीजिए, एक मिनट देखिए। ये देखिए, ये विशाल अंदर का, ये देख रहे हैं, ये देखिए भक्त लोग हैं, ये दर्शन कर रहे हैं। एक मिनट, ये जी, ये देखिए, ये क्या मूर्ति है, पत्थर है, क्या है? जी, बाबा का बट वृक्ष है और इसी जगह इनका जो है स्थापना हुआ है, इसी जगह ये पूजन किया जाता है। ये हम बाबा जी। जी, मतलब मूर्ति मूर्ति बनी है, शिवलिंग है, क्या है? मूर्ति नहीं बनी है, बाबा का एक स्वरूप है जो कि बट वृक्ष की पूजन किया जाता है। यही भी लोग जल चढ़ाते हैं, माला फूल जो कुछ चढ़ाना होता है, इसी जगह जल चढ़ाते हैं। जी ठीक, आइए अब इस वृक्ष की एक परिक्रमा कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, बच्चों का मुंडन भी यहाँ पे किया जाता है? जी, बच्चों का मुंडन भी किया जाता है। हमारे सामने एक बच्चा है जिसका मुंडन किया गया। जी, ये बालक है। क्या नाम है बेटा? नाम क्या है बेटा? ये नाम बताने में असमर्थ है, छोटा बालक है। अब हम चले इस पुराने बरगद वृक्ष की एक परिक्रमा करते हैं, जो कि यहाँ पे एक कॉमन बात है, जो भी भक्त आता है इस वृक्ष की परिक्रमा करता है। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ मुंडन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ ऐसे लोग मुंडन करते हैं, कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं। कढ़ाई चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ हर वर्ष जो है सारे गांव के लोग आते रहते हैं और कढ़ाई चढ़ाते रहते हैं। मतलब कढ़ाई का मतलब प्रसाद बनाते हैं जिसकी मनोती पूरी होती है। जी जी जी। सत्यनारायण व्रत की कथा हो रही है, जो कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जिनकी मानता पूरी होती है, वो अपना जी जी कराता है, कुछ करता है। आपकी क्या मानता हुई है, क्या मानता पूरा हुआ है आपका, बताइए? कौन सा मानता पूरा हुआ है बताइए, बताओ। जोर से बोलिए। हमारी मानता हुई है डोलने से, मैं चल नहीं पा रहा। अच्छा, बाबा की कृपा से आप चलने फिरने में समर्थ हो गए? जी। क्या मतलब पोलियो आपको ज्यादा दिक्कत है क्या? क्या नाम है बेटा? अमित। कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? ये पहली बार आ रहे हैं, बॉम्बे थे। हाँ। हमारे साथ में एक भक्त है अमित, जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे, मुंबई में रह करके अपना कार्यभार करते थे। बाबा का इन्होंने ऐसी प्रार्थना की, बाबा की विशेष कृपा हुई इनके ऊपर, जो कि चलने फिरने में समर्थ हो गए और अपनी मान्यता पूरी करने के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं, किराकत में थाना गद्दी के पास में इस मंदिर में, सबल ब्रह्म बाबा के मंदिर में, और कथा सुना है सत्यनारायण भगवान की। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में बोलो, बाबा में बहुत शक्ति हो गया। हाँ, बाबा में बहुत शक्ति है, मेरे को डोलने दिया। और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कितना साल हुआ आपको आए हुए, मतलब कितनी बार आप यहाँ पे आ चुके हैं? पहली बार और आगे भी आप आना जारी रखेंगे? धन्यवाद। जी बाबा, आइए अब जरा बाहर चलते हैं, यहाँ पे दुकानें भी लगती है, मेला जो लगता है, मेला का भी दर्शन किया गया। ये फूल माला की दुकान, यहाँ लोग जो है माला वाला के फूल की दुकानें लगाते हैं। ये लोग केवल सोमवार को रहते हैं या रोज? सोमवार, शुक्रवार, सिर्फ सोमवार को। जी जी। और इधर क्या है, बच्चों के खिलौने की दुकान है। ये बेसन का लड्डू प्रसाद में ही चढ़ता है? बेसन का लड्डू चढ़ाया जाता है यहाँ पे। और ये क्या है, चीनी की मिठाई रसगुल्ला? ये है चीनी का लड्डू। ठीक। और ये खड़ा हूँ, खड़ा हूँ। जी हाँ, कुछ ले ला। ये क्या? ये धर्मशाला है, सार्वजनिक धर्मशाला है। यहाँ पे क्या क्या शुभकार किया जाता है? यहाँ शुभकार हर शनिवार को हम जो है हमारे द्वारा जो है शनिवार को यहाँ खिचड़ी वितरण कराया जाता है। हर शनिवार को सुंदरकांड का देखैया वाला कार्यक्रम होता है? जी, बिल्कुल ऐसा भी होता है। और हर शनिवार को जो है खिचड़ी वितरण होता है और सुंदरकांड का पाठ होता है। सोमवार का दिन होने के कारण यहाँ पे भक्तों की संख्या काफी है और दुकानें भी लगी हुई हैं। एक प्रकार से इसको कहा जाए तो छोटा सा मेला भी लगा हुआ है इस मंदिर पे। हम देखते हैं मेले में क्या क्या दुकानें, किस प्रकार की दुकानें। माला फूल तो आपने देख लिया, अब मेले का असली रंग देखते हैं।
गांव देहात होने के बावजूद भी चाइनीज फूड अपनी पहुंच अपनी पैठ पैठ बना लिया है देहातों में भी। ये देखिए चाउमीन, गोलगप्पा, ये छोला है। इधर देखिए, इधर भी चाट की दुकानें लगी हुई हैं मंदिर परिसर में। आइए महाराज, आइए, अजय कड़ाहा पे चलते हैं। जिन भक्तों की मान्यता पूरी होती है वो अपनी जिस प्रकार की जो भी मान्यता माने रहते हैं यहाँ पे आकर के उसको पूरा करते हैं। कोई कथा सुनता है, कोई अखंड रामायण का पाठ कराता है, कोई कपड़ा चढ़ाता है, कोई पूजन करता है, कुछ लोग कड़ाहा चढ़ाते हैं। देहातों में कड़ाह चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। उसी प्रकार से इस मंदिर परिसर में भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ भक्त आए हुए हैं जिनकी मान्यता पूरी हुई है, वो कड़ाह चढ़ा रहे हैं। कड़ाह चढ़ा रहे हैं, उसका महत्व क्या, कड़ाह होता क्या, आइए हम जानते हैं यहाँ के भक्तों से। ये देखिए, माता जी ने कड़ाह पूजन का कार्यक्रम आरंभ किया हुआ है। ये कुछ उन्होंने प्रसाद बनाया। माता जी बनाइए, कड़ाह पूजन होता क्या है, ये पूजन क्यों करती है आप लोग? आपका क्या मान्यता पूरा हुआ है कुछ, क्या यहाँ पर बाबा का कुछ कृपा हुआ है आपके ऊपर? बाबा का पूजा कराया जी नहीं तो आपके मतलब कोनो मानता पूरा भल हो यहाँ पर? मानता भल तब आप लोग कड़ा पूजन कर रहे हैं। क्या मानता पूरा भल हो आपको, क्या आशीर्वाद मिला हो बाबा का आपके? अरे भाई कुल जी, बाबा का आशीर्वाद मिला रहा था कुल बाबा का। कितने साल से आप आओ थे नहीं आप मंदिर पर? मतलब आप लोग यही क्षेत्र के निवासी नहीं, यही गांव के हैं? कई वर्षों से आते हैं लोग। अभी आपका काम मानता पूरा भल गया, अभी कड़ा पूजन के कार्यक्रम पहली बार करते हैं या इससे पहले भी चढ़ा चुके हैं? अपने बच्चों के मुंडन भी यही करा वो लोग? ठीक है माता जी, धन्यवाद। बगल में बन रहा है, ये देखिए इधर भी कड़ा पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, प्रसाद बन रहा है, प्रसाद की तैयारी हो रही है। कुछ लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं, कुछ लोग हलवा पंजीरी बना रहे हैं और इधर प्रसाद तैयार हो चुका है। माता जी बताओ आप लोग कितने साल से यहाँ थे इन मंदिर पर? जो से बोला का साल भर? साल भर के ऊपर आई। अच्छा, यहाँ का मानता पूरा भलो आप? मानता ऐसा की कथा सुन ले रही है तो दूसरे लड़की हमारे बच्ची के पास रहनी है तो फिर वह तीसरा लड़की पैदा भाई। अच्छा, तो कब मुंडन करी नहीं? हाँ, हाँ। तो वही के उपलक्ष में आप प्रसाद कड़ाहा पूजन करते थे? हाँ, फिर लड़का था। अच्छा लड़का, और कौन बाबा का आशीर्वाद विशेष चमत्कार भलो है आपके साथ में? लड़का भर रहा ना, वही तो खुशी में आप लोग प्रसाद। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए विशाल वटवृक्ष, कहते हैं की किसी व्यक्ति ने बाबा की जमीन पर कब्जा कर लिया था और बाबा ने उसे अपना स्थान मांगा तो उनको स्थान नहीं दिया गया, परिणाम और उसने उनकी हत्या कर दी। बाबा ब्रह्म स्वरूप हो गए और जितने एरिया में इनकी जमीन थी, इनकी इनका खेत था, उतने एरिया तक इस वृक्ष, इस पुराने बट वृक्ष की डाल चारों तरफ उसी पूरे रेडियस में, स्क्वायर में, ये पूरे देख लीजिए जितने एरिया में बाबा की जमीन थी उतने एरिया में बाबा का पेड़, ये बट वृक्ष डाल वहां तक पहुंच गई है। पंडित जी एक चीज बताएं आप जी। हाँ, एक चीज बताइए, आप तो काफी पुराने हैं जी, यहाँ के लोगों की मान्यता भी हमने देख लिया, काफी श्रद्धा है इस मंदिर में, इस मंदिर के प्रति, इस क्षेत्र के लोगों की जी। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो पिकनिक स्थल तो नहीं लेके धार्मिक स्थल है जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल जी। तो भारत इस क्षेत्र के विधायक या नेता से आप लोगों ने कभी मांग की कि इस क्षेत्र, इस मंदिर को अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से इसका विकास किया जाए ताकि भक्तों को सुविधा हो यहाँ आने पे और ज्यादा यहाँ पर विकास हो? जी, यहाँ के लिए सांसद जो थे उनसे वार्ता हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन कोई कार्य नहीं किए। और हमारे अब नए सांसद जी हुए हैं जो कि बीजेपी के कहे जाते हैं और रामचरित्र जी, अब देखिए उसके विषय में, यहाँ के विषय में क्या करते हैं। और गुलाब सरोज जी, आप लोग की क्या क्या मुख्य मांगे हैं इस मंदिर? जी, हमारी मांगे ये हैं कि यहाँ पर एक हैंड पंप और हो जी, और जो कि हमारे भक्तों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, और एक छोटा सा और धर्मशाला कमरा, और यहाँ धर्मशाला हो, और यहाँ जो है इसे पर्यटक का रूप दिया जाए हमारे शासन प्रशासन द्वारा, जैसा कि गोमतेश्वर महादेव है। और यहाँ शोल्डर लाइट गुलाबचंद सरोज विधायक के द्वारा लगाया गया है और रामचरित्र के द्वारा आश्वासन दिया गया है, देखिए आप कब तक कार्य करते हैं। और ऐसा एक चीज और ने देखा कि यहाँ आने के लिए साधन, व्यक्तिगत साधन से आना पड़ता है, रोड की दशा बहुत खराब जी,
उसके लिए आप क्या करना जी? रोड के लिए तो यहाँ के काफी जो जनता है वो काफी जो है परेशान है रोड के लिए, और प्रतिदिन एक्सीडेंट हुआ करता है, सब कुछ हुआ करता है। और मैं बाबा से यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस रूट का जो है कायाकल्प कर दिया जाए। ठीक है महाराज जी, हम लोग भी यही चाहेंगे, निवेदन करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे, आपकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो। हमारे साथ में ही बनारस के और इसी गांव के नावपुर गांव के ही अमित शुक्ला जी हैं, वो भी आज सोमवार के दिन बाबा का दर्शन करने आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं इस मंदिर का, बाबा का चमत्कार क्या अनुभव रहा, क्या आशीर्वाद मिला उनको। अमित शुक्ला जी बताएंगे कुछ बाबा के बारे में। बाबा के यहाँ आने से समझ लीजिए आपकी मन की जो पीड़ा है सारी पीड़ा यहीं आने से ही खत्म हो जाती है। अच्छा। एक बार मन से बस बाबा को मनाइए और आपके जितने मन में जितने कष्ट हैं सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ से मैं जब से छोटा था, गांव से जब मुझे होश है तब से मम्मी और पापा के साथ आता था, माताओं के साथ आता था, अपनी जो माताएं हैं जो बहनें हैं। उसके बाद जब मैं होश संभाला, जब बड़ा हुआ तो मैं अपने आप से स्वयं आता हूँ। बनारस से जब भी गाँव में आता हूँ अपने, तो मैं निश्चित आता हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। और आपका अनुभव कुछ अपने मित्रों का अनुभव कुछ हमारे अनुभव हुआ है? हमारे छोटे भाई हैं आशीष शुक्ला जी, आप इनसे कुछ सवाल पूछ कर सकते हैं। बताइए आशीष जी, आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ का, इस मंदिर का? हम यहाँ बहुत ही बचपन से आते हैं, हम अपनी माता जी के साथ पहले यहाँ आते थे। जब मैं छोटा था तो माता जी और पूरे गाँव के लोग यहाँ आते थे और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाते थे, बाबा के यहाँ पूजा करते थे। तो हमारा अनुभव यहाँ बहुत पुराने से, आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास औरतें हैं और हमारी बहनें बहुत सारी आई हुई हैं जो कि यहाँ जिनके मन में श्रद्धा है और श्रद्धा भाव से आई हुई हैं और बाबा को चढ़ावा चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं बाबा का। इनकी आस्था बाबा से जुड़ी हुई है और बाबा ने इनकी मुरादें पूरी की है, ये बराबर आती। आप लोग यहाँ आने पे किसी प्रकार की असुविधा हुई आने में, आप लोग चाहे हो कि यहाँ पे कुछ और विकास किया जाए इस क्षेत्र, इस मंदिर का, ताकि और अच्छा रौनक बढ़े इस मंदिर की, इस तरीके से मन में? ये जगह, ये बाबा की जो नगरी है बहुत ही प्राचीन है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ के जो आसपास के धनाढ्य लोग हैं या फिर सरकार से मान्यता है हमारी की यहाँ पे थोड़ी विकास किया जाए, यहाँ बाबा के यहाँ कोई आश्रम वगैरह बनाया जाए जिससे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे ठहर सके रात में। मैं यहाँ के एमपी जो हमारे रामचैतन्य निषाद जी हैं और जो विधायक जी हैं उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि वो अपने निधि से बाबा के धाम के लिए कुछ ना कुछ, सरकार चाहे मोदी सरकार हो चाहे यूपी की अखिलेश सरकार हो, उनके द्वारा ये करके सैंक्शन कराए यहाँ पे धन की, और धन की कोई कमी न आए बाबा के, और इस मंदिर को एक भव्य रूप दिया जाए ताकि इसका आकर्षण बढ़े और भक्तों की संख्या और भी ज्यादा हो। क्योंकि आस्था का प्रतीक है, ये आस्था का प्रतीक है बाबा का ये धाम, और जो सच्चे मन से यहाँ पे आता है उसकी हर मुरादे बाबा पूरी करते हैं। और मैं यही बार बार अपने यहाँ के लोगों के क्षेत्रवासियों से कहूँगा कि वो यहाँ के विधायक और एमपी से हमेशा संपर्क में रहें, उनसे हमेशा ये मांग करें कि बाबा के विकास के लिए यहाँ के मंदिर के प्रांगण के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, यहाँ के भक्तों को कोई असुविधा ना हो, सब अपना अच्छे से दर्शन पूजा पाठ कर। ठीक है, धन्यवाद अमित जी। तो ये था सबल ब्रह्म बाबा मंदिर का प्रांगण, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में किराकत तहसील के पास थाना गद्दी के पास देवनाथपुर नाम का स्थान है, वहाँ पे ये सबल ब्रह्म बाबा का मंदिर है। हम आप सभी से निवेदन करेंगे, सभी भक्तों से निवेदन करेंगे, एक बार आए यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद लें, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी विशेष मांग करेंगे कि इस क्षेत्र का, इस मंदिर का विकास करें और यहाँ की सड़कों का भी सुधार करें ताकि भक्तों को आने में कोई असुविधा न हो और इस क्षेत्र का भी नाम विश्व पर्यटन के स्थल पे आए। धन्यवाद।